लोगों में लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन के प्रति रुचि को देखते हुए शहर के सबसे प्राइम लोकेशन माने जाने वाले काकुड़गाछी में पन्ना डायमंड वर्ल्ड ज्वेलर्स ने अपने चौथे नए ज्वेलरी स्टोर का उद्घाटन किया। इस ज्वेलरी स्टोर में आभूषण प्रेमियों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के सर्वश्रेष्ठ कलेक्शन मौजूद हैं। स्टोर का उद्घाटन सीएस डॉक्टर ममता बिनानी, पन्ना डायमंड वर्ल्ड ज्वेलर्स के निदेशक ओम प्रकाश अग्रवाल, श्याम सुंदर चौधरी, दिलीप कुमार अग्रवाल और पिंटू अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। मैं ममता बिनानी हूँ, उद्योग जगत से आती हूँ, एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम पूरे वेस्ट बंगाल की प्रेसिडेंट हूँ। मैं बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ आज यहाँ आई हूँ। मैंने देखा है किस तरह से पन्ना ज्वेलर्स स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ डेवलप किया है। आज से नहीं, काफ़ी सालों से इन्हें देख रही हूँ। आज ये शायद कलकत्ता का चौथा स्टोर है और काकुड़गाछी एरिया से बेहतर एरिया आज के दिन शायद उद्घाटन के लिए हो नहीं सकता था। मैं इन्हें और इनके बड़े भाई साहब को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और इनकी इनके जो व्यवसाय है वो बांग्लादेश में भी बहुत अच्छे से है। इसका मतलब ये है कि ये आयात और निर्यात की भाषा को और व्यवसाय जगत को खूब अच्छे से समझते हैं। ये हमारे भारतवर्ष के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे बंगाल के लिए भी बहुत ही सहायक रूप से तौर तरीके से ये माना जाएगा, क्योंकि आज के दिन एक्सपोर्ट करने से ही हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ती है, हमारे जो रुपया है उसकी कदर ज़्यादा बढ़ती है। तो मेरे बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं ये। और आज ये भी मैं कहना चाहूँगी कि आज जिस तरह से हम लैब डायमंड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पन्ना ज्वेलर्स जो इस व्यवसाय को अच्छे से समझता है, आगे चलकर ज़रूर से ये उस दिशा को भी देखेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पर ये भी चाहेंगे कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा खरीदार हो। आज के दिन हर चीज़ में ऐसा देखा गया है कि सरकार चाहती है कि हर चीज़ मुहैया किया जाए, हर चीज़ लोगों के तक पहुंच सके। कहीं ना कहीं जाकर आई एम श्योर पन्ना ज्वेलर्स हर तरह के लोगों को अच्छे तरह से केटर कर पाएगा, हाई एंड को भी और मिडिल क्लास को भी। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। दिलीप कुमार अग्रवाल, ये अपने जो टारगेट है, ये टारगेट है अपने जो सर्विस है, ये सर्विस अपने हर जगह देना चाहते हैं कस्टमर को। और बेसिकली अपने ट्रस्ट और रिलायबिलिटी, अब ये दोनों चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा है। अपने फोकस ये है जे लाइट वेट ज्वेलरी मैक्सिमम बजट के अंदर कस्टमर कैसे अपने रीच कर सकते हैं। अपने ये है अपने एक्सचेंज पॉलिसी, अपने रिटर्न पॉलिसी, अपने सर्विस पॉलिसी, ये पॉलिसी के ऊपर अपने ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं पन्ना डायमंड वर्ल्ड का ओनर पिंटू अग्रवाल हूँ। पन्ना डायमंड वर्ल्ड ने 5 साल के सफ़र में एक अपना नाम बहुत एफर्ट से, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट, और हम जब नया रिटेल में उतरे तो हमें लगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो हमने अपना नीश क्रिएट किया कि अभी अगर 5-7 लाख के नीचे की डायमंड ज्वेलरी चाहिए तो आपको पन्ना डायमंड वर्ल्ड में मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। फिर हमने मार्केट में स्टडी किया कि भाई क्या क्या चीज़ें जिस पर अपने को फोकस करना चाहिए। इसमें से एक चीज़ जो हमने सबसे बड़ा किया ना, कि आज अब आप मेरे से डायमंड ज्वेलरी ख़रीदते हो, 2-3 साल में ये भी एक प्रोडक्ट है, पत्थर गिर गया, फॉर एग्जांपल डायमंड गिर गया, तो हम आपसे, आप हमारे पास आइए, हम आपसे कोई डायमंड का चार्ज नहीं लेते, पूरा वो कॉस्ट हम बेयर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप वो ज्वेलरी बैंक में ना रखें, उसको पहने, आप एक अपना हार्ड एंड मनी से सामान खरीद रहे हैं,
तो हमें लगा कि ये एक अच्छा फीचर्स है और कस्टमर ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। सेकंड हमने ये देखा कि मार्केट में आदमी बोलता है या मोर हस्बैंड्स ये बोलते हैं कि डायमंड में कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, तो हमने ये बोला, उस कंसेप्ट को भी हमने चेंज कर दिया। आप मेरी डायमंड ज्वेलरी 5 साल पहने, 5 साल के बाद वो डायमंड ज्वेलरी आप मेरे को रिटर्न करने आए, तो डायमंड में अगर आपने 10 लाख का इन्वेस्ट किया है, पूरा 10 लाख रुपया आपको डायमंड में मिल जाता है, तो आपके लिए वो नुकसान भी ख़त्म हो गया, राइट। तो आपके लिए लॉस क्या रहा, एक GST और आपका मेकिंग, राइट। तो ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा लग्जरी प्रोडक्ट वर्ल्ड में, इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत कम है जिसमें आपको 97% आपको रिटर्न पॉलिसी में मिल जाता है, ओनली 3%। ये लग्जरी प्रोडक्ट कौन सा, अगर आप बैग खरीदते हैं, गैजेट्स खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, आप जैसे ही शोरूम के बाहर आए उसका 50% रिडक्शन हो गया। हम लोग के ये दो फीचर्स हैं। फिर तो देखिए और जो भी फीचर्स है, हर कस्टमर, हर दुकान अपनी देता है। यस, हम ये मार्केट को बोलते हैं कि आप डायमंड ज्वेलरी खरीदने के पहले थोड़ा सर्वे कर लीजिए, मेरे से खरीदना होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। मगर वो कंसेप्ट से निकलिए कि मैं 20 साल इसी दुकान से खरीद रहा हूँ बोल के मैं आज उसी दुकान में खरीदूँगा। हॉलमार्क गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर ही दिया, राइट। सेकेंड हम लोग का क्या है, सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया। तो भाई आपको थोड़ा सा सर्वे करके अगर आपके घर में थोड़ी बचत हो तो बहुत बड़ा बेनिफिट है आप लोग के लिए। जो सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग के लिए भी एक आई ओपनर है, क्या जब हम काकुरगाछी में आए, यहाँ के AMC का सपोर्ट बोल लीजिए, लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट बोल लीजिए, डिप्लोमेट सपोर्ट बोल लीजिए, सबका एक ओपन अप्रोच था, राइट। हम रात रात भर शोरूम में काम किए हैं, हर बंदा आके एक ही चीज़ पूछता था, भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ जस्ट हमें फ़ोन करना, राइट। इवन रात को जो पुलिस पेट्रोलिंग भी होती है, उन्होंने भी आके बोला कि दादा कोई भी असुविधा नहीं है, ये बिजनेस को लेके आप लोग सोच रहे हैं, राइट, हमारा साथ पूरा है, विच इज़ अ बिग थिंग, राइट। पूरा कंसेप्ट बंगाल में भी काफ़ी चेंज हो रहा है। आदमी लोग बोलते हैं कि भाई आप ये शोरूम दूसरी जगह क्यों नहीं करते, अपना बंगाल ही इतना बड़ा है, और बंगाल में अगर आप देखें लास्ट 10 साल में बिज़नेस भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, हमारे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गए हैं, राइट। तो हमें लगता है कि बंगाल में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको हम टैप करना चाहते हैं। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप भाई लोग को, क्या हमें पन्ना डायमंड वर्ल्ड एक ब्रांड है जो अपकमिंग ब्रांड है, हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट सर्विस दें, आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा, राइट, कि इस ब्रांड को कैसे आगे लिया जाए।